हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पहाड़ी तड़का एक्सप्रेस में स्वागत है। हम इस टाइम पे देहरादून में और हम जा रहे हैं मसूरी रोड की तरफ। गाइस आप मौसम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वैसे भी देहरादून का मौसम बहुत ही अच्छा होता है हमेशा। गाइस अब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ पहाड़ी टेरिस पे। मैंने यहाँ की बहुत तारीफ सुनी थी कि यहाँ की मैगी बहुत ही अच्छी है और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। तो गाइस हम आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं चीड़ के पेड़ का फल है। आप लोगों की लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में से छेती बोला जाता है। बचपन में किस किस ने इसके ऊपर कलर किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत कलर करे हैं। ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस आप यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हैं, यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूनिक है। इन्होंने मतलब चारों तरफ टोकरी टांग रखी है और चीड़ के पेड़ का जो फल होता है उनको टांगा हुआ है, उनपे कलर करा हुआ है। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। और ये देखो जरा आप, मतलब मौसम देखो ना, मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो जरा सूपे पे लिखा हुआ है हम छे पहाड़ी। ये आप यहाँ का मेन्यू कार्ड देख सकते हैं, यहाँ का मेन्यू कार्ड काफी लंबा चौड़ा है। हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या मंगाना है। गाइस कंफ्यूजन के कारण मैं इनके टेरिस पे पहुंच गई, क्योंकि मैंने भैया से पूछा था कि भैया यहाँ का नाम पहाड़ी टेरिस रखा है तो टेरिस है कहाँ। तो उन्होंने बताया सीढ़ियों से रास्ता है, आप ऊपर जाओ, आपको वहां से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। तो गाइस सच में वहां से व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मैंने वहां पर चाय मंगाई, मैंने अपनी चाय इंजॉय करी वहां पर। हमने आहान के लिए कुछ ऑर्डर किया क्योंकि आहान को मैगी बहुत पसंद है, तो हमने सोचा चलो उसके लिए मैगी मंगाते हैं। गाइस अब मैं पहाड़ी टेरिस के किचन में आ चुकी हूँ और हम भैया से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे यहाँ पर क्या क्या फेमस है। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? अच्छा, और कब स्टार्ट हुआ ये रेस्टोरेंट? दो साल हो गए। और कैसा रिस्पांस आ रहा है सबका? रिस्पांस है। तो टाइमिंग इसकी मतलब डेली ओपन रहता है क्या? डेली ओपन रहता है, सुबह 8 से रात 11 तक। अच्छा, और यहाँ का फेमस क्या है? फेमस हमारा वैसा ऑल टाइम फेमस ही है, लेकिन मेन हमारा पहाड़ी फूड है। पहाड़ी फूड। अच्छा, तो आज आप हमें क्या खिलाने वाले हो? पहाड़ी मैगी खिलाने वाला हूँ आपको। अच्छा, तो चल हाँ, तो ठीक है भैया, आप हमारे लिए पहाड़ी मैगी बनाइए। गाइज हमने सोचा जब तक कि हमारी पहाड़ी मैगी तैयार हो रही तब तक हमने सोचा चलो थोड़ा शूट करा जाए। हमने भैया से चाय का ऑर्डर भी दिया था। ये हमारी चाय आ चुकी है, एकदम पहाड़ी चाय और कड़क चाय। ये आप देखो जरा, मतलब हरीश चाय का आनंद ले रहा है और मतलब मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। गाइज हमारी पहाड़ी मैगी आ चुकी है और काजल ने पहाड़ी मैगी का बहुत मजाक बनाया। ये देखो जरा काजल की नौटंकी। गाइज आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं काफलू मैगी बोलते हैं हमारे यहाँ। एक काम करो, आज तुम्हें टेस्ट करो। तो काफलू करी लव यू, आई विल हैव दिस देन आई विल टेल यू। तेल के उड़ा दो गाइज। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार यहाँ की पहाड़ी मैगी टेस्ट करूँ और मतलब आप लोगों को यहाँ का रिव्यू दूँ कि यहाँ की पहाड़ी मैगी कैसी हो रही थी। मैंने फटाफट टेस्ट किया, मुझे तो यहाँ की पहाड़ी मैगी बहुत अच्छी लगी। बटर थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि हम लोग थोड़ा बटर अब कम यूज़ करते हैं, अदरवाइज मैगी अच्छी थी। ये देखो जरा, मतलब यही लोग मजाक बना रहे थे और मैगी कैसे खा रहे हैं, मतलब इनको अच्छी भी लग रही थी और खा भी रहे हैं। तो गाइज मतलब काजल जो काफलू बोल रही थी, हमारे यहाँ क्या होता है कि पालक का जो साग बनता है उसे काफलू बोला जाता है और इसमें पालक पड़ा हुआ था तो इसी वजह से काजल काफलू बोल रही थी। ये हरीश ने ब्रेड ऑमलेट मंगाया था क्योंकि मैगी से तो हमारा पेट नहीं भरता, हम लोग 3 लोग थे तो हमने फटाफट ब्रेड ऑमलेट का भी ऑर्डर दिया था। गाइज हरीश को यहाँ का ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। गाइज मुझे भी यहाँ का ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, एकदम फ्लफी फ्लफी सा ऑमलेट बना रखा था इन्होंने, मतलब मजा आ गया इसे खा के। ये हरीश अंग्रेज, ये काजल बिचारी पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।